हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये रूम जो देख रहे हैं, इसी रूम में हम लोग का छठ पूजा होता है। यह ब्लॉग छठ के दूसरे दिन का ब्लॉग है, खरना पूजा जिस दिन होता है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और हम लोग ब्रेकफास्ट करने की तैयारी कर रहे थे, तो ये भुजिया बन चुका है और साथ में बनी थी घुघनी। एंड रात के कुछ बचे हुए रोटी थे, उसको मैं घी लगा के सेक रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बच गए थे। ज़्यादा लोग होने के बाद क्वान्टिटी का पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत बच ही जाते हैं। हैप्पी खरना पूजा सबको। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी नाश्ता हो रहा है, क्योंकि घुघनी बना है और रोटी है, रात के कुछ बचे हुए थे। एंड अभी खुद के प्रेस, अभी जस्ट प्रेस ही बने हुए हैं और दिन का खाना मिलते हैं बाद में। आपसे चने का घुघनी जो अभी नाश्ता में हम लोग खाएंगे। हस्बैंड को दे रही हूँ मैं। सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, आई मीन जितने भी जेंट्स थे उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था। बचे हम लोग तो मैं, मेरी जेठानी और बुआ की लड़की और उनकी बेटी, सबको एक साथ बैठ गए थे और रिमझी भी थी साथ में। तो ऐसे साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है और मस्ती करते हुए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और अब चला जल्द के दिखाते हैं आपकी रात का ब्लॉग। और यहाँ पर चाची प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही है, तो इन्होंने दूध में चावल डाल दिया है जो कि खीर बनेगा, और ये विदाउट शुगर का बनेगा। शुगर नहीं डाला जाता है, बाद में इसमें आप गुड़ दे के खा सकते हो। तो ये प्रसाद भी सबको मिलेगा। एंड यहाँ पे बॉल लग रहा है बड़ा वाला, क्योंकि थोड़ा सा बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। और मैं बता देती हूँ कि हम लोग घर में ना ऊपर जैसे छत पे जहाँ पे छठ पूजा होता है वहाँ पे भी खीर बनता है, और नीचे रसिया बनता है, मतलब नीचे किचन में, वो भी हम लोग खुद भी खाते हैं और आसपास जितने भी नेबर्स हैं सबको दिया जाता है बरसात की तरह। ये भी और वो भी, मतलब दोनों खीर। तो यहाँ पे नीचे जो बन रहा है ये रसिया बन रहा है, यहाँ पे मैं और मेरी सास बना रहे हैं। और मतलब मैं तो बस हेल्प कर रही थी, मेरी सास ही बनाती है क्योंकि मुझे उतना नहीं पता। तो मैं बस यहाँ पर चावल डाल रही थी, गर्म पानी हो गया था और इस पर बाद में दूध डलेगा, दूध में गुड़ मिला के डाला जाएगा उसमें ताकि वो रसिया बन जाए। तो यहाँ पे देखिए चाची का खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, पक गया है ठीक से। तो यहाँ पे फिर एक सरपोस होता है ना जो मिट्टी का होता है, उन सब में सब खीर को रखेगी और वो प्रसाद की तरफ चाची तैयारी करेगी। तो चलिए नीचे देखते हैं अब हम लोग क्या कितना ये कम्प्लीट हुआ। तो लगभग यहाँ पर भी रसिया बन गया है, इसमें दूध और गुड़ डाला जा चुका है जस्ट अभी। और अभी मन किया थोड़ा चाय वाय पीने का, तो चाय बना रहे हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पर पूरा तैयारी हो चुका है, बस इसमें दिया जलेगा और अगरबत्ती को लगाएगी चाची, फिर सबको प्रणाम करेगा, सबको बारी बारी से हम लोग यहाँ पे प्रणाम करने आएंगे। जितने भी लोग हैं मेम्बर्स, जितने भी घर पर लोग हैं, आसपास के लोग भी आए थे उस दिन, सब लोगों ने प्रणाम किया। और छठ पूजा इतना बड़ा, इतना महान हम लोगों का पर्व है ना, बिहार झारखंड उधर के जितने भी लोग हैं बहुत सब लोग करते हैं। तो अब तक का मतलब सबसे कठिन और सबसे क्या बोलूँ, जहाँ भी छठ पूजा का अगर गाना सुनोगे ना आपको मतलब गूज बम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबके हम लोग प्रणाम कर रहे थे, माथा टेक के मैंने किया और मेरे हस्बैंड भी आए। और इसके बाद यहाँ पे सिंदूर लगा रही है जो कि नाक से लगाया जाता है, चाची लगाई थी, जितने भी सुहागन हैं वो उन लोगों को लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ। एंड जितने भी जेंट्स हैं बाहर, ये सब जितने भी नेबर्स हैं, कोई कोई आए हुए थे बगल से, सब ने आशीर्वाद लिया छठ माता का। और ये मेरी सासू माँ है और मुझे प्रणाम कर रही है, वो बगल वाली है, नेबर है वो, तो इनको भी इन्होंने सिंदूर लगाया। और ये है मेरे हस्बैंड और ये बगल में है वो मामा जी हैं, मामा जी आए हुए थे तो इन लोगों ने भी प्रणाम किया।
और अब बारी है हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर की, जिसका फर्स्ट छठ पूजा है, तो इनको भी छठ माता का आशीर्वाद लेना है। तो ये है इनकी मम्मी और ये जा रही है इनको आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और ये इतना क्यूट है ना, मुझे बहुत याद आती है इसकी। मैं जब से यहाँ आई हूँ, मतलब वहाँ से जब से यहाँ आई हूँ, तब से बहुत मिस करती हूँ बाबू को। और ये भी आशीर्वाद ले लिया। तो सरपोज का प्रसाद हम लोगों ने सबको खा लिया, जितने भी घर के मेंबर्स हैं सबने। और अब जा रहे हैं सबको प्रसाद देने के लिए, पास के नेबर्स को और घर के और मेंबर्स को। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।